हेलो एवरीवन, मेवाड़ ई नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगेन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राजस्थान CHO, NHM, RSM, SSB, स्टाफ नर्स, GNM, KGMU, DSSFB, BFHU, DGHS, RUHS, एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे कोई सा भी ETI का एग्ज़ाम हो, उन सभी के प्रिपरेशन के अंदर अपन लेके आए हैं गोल्डन MCQ के साथ मेगा सीरीज ओबीजी नर्सिंग क्लासेस। ओबीजी नर्सिंग हमारा सब्जेक्ट है, उसके अंदर टॉपिक हाइडेटेडिफॉर्म मॉल, जिसको अपन मॉलर प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं। एंड सेकंड टॉपिक होगा अपना नॉर्मल लेबर। क्या होगा सेकंड टॉपिक अपना? नॉर्मल लेबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्मल लेबर भी। ये सारे चीज़ें अपन क्या करेंगे आज के आज लर्न करने की कोशिश करेंगे। दोनों चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये आज का, क्योंकि नॉर्मल लेबर आपको बताए सारे स्टेजेस वगैरह इसी में आती है। तो कितना बड़ा होगा ये टॉपिक आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। तो क्विक रेस्पॉन्ड करना आपको, क्विक में चलूँगा, ठीक है। रेपिड सेशन है पूरा का पूरा। तो बिना किसी डिले, बिना किसी इंतजार के मैं आज की इस क्लास को कैरी ऑन करता हूँ। जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। क्या करना आपको? एक लाइक, सब्सक्राइब चैनल को एंड शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। शेयर करना बिल्कुल न भूलें, बिना किसी डिले के, बिना किसी इंतजार के। पहला MCQ आप सभी के सामने, द स्नो स्टॉर्म अपीयर। क्या पूछा है? द स्नो स्टॉर्म अपीयर इन यूट्रस। यूट्रस में स्नो स्टॉर्म दिख रहा है आपको USG में। यूट्रस के अंदर स्नो स्टॉर्म दिख रहा है आपको, किस में दिख रहा है? USG में। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंस करेगा ये, कि क्या इंडिकेट करेगा, मतलब क्या है पेशेंट के अंदर। स्नो स्टॉर्म जो होता है, स्नो स्टॉर्म का मतलब मैं बता देता हूँ। स्नो यानी होता है बर्फ। क्या होता है? बर्फ। बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का जैसे प्रकार से टुकड़ा होता है, उसी प्रकार से आपको स्नो स्टॉर्म इसके अंदर दिखेगा, USG के अंदर इस। और ये होगा ग्रेप्स लाइक। क्या होगा? ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स बन जाएंगे इसके अंदर। क्या बन जाएंगे? ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स होंगे, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन यही पूछ रहा है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? क्या इसको अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे? क्या इसको अपन फाइब्रोड इन प्रेगनेंसी बोलेंगे, यानी प्रेगनेंसी में फाइब्रोड बोलेंगे? या क्या अपन इसको हाइड्रोमिनोज बोलेंगे? और क्या अपन इसको वेसिकुलर मॉल बोलेंगे? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, और एक यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाइड्रोमिनोज का मतलब तो आप सीधा समीन लगा सकते हो, किससे? आपके एमनियोटिक फ्लूड से। किससे लगा सकते हो? एमनियोटिक फ्लूड से लगा सकते हो, ठीक है। फाइब्रॉइड यानी फाइब्रॉइड बन जाना प्रेगनेंसी में, ठीक है। यह कंडीशन भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। वेसिकुलर मॉल, एक होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस के अंदर, जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होना चाहिए, कौन होना चाहिए? आपका ओवम। लेकिन ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट ना होके आउटसाइड द यूट्रस, आउटसाइड यानी किसी अदर जगह पे क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा जाके, तो उसको अपन बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका जो राइट आंसर होगा वो वेसिकुलर मॉल होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेसिकुलर मॉल यानी मोलर प्रेगनेंसी, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में? मोलर प्रेगनेंसी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा प्यारे दोस्तों? मोलर प्रेगनेंसी। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? मोलर प्रेगनेंसी। आया समझ में? बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको क्या पूछा जा रहा है? डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपको, इस मोलर प्रेगनेंसी में होता क्या है? मेनली चीज़ आपको ये देखने को मिलती है कि इसके अंदर क्या होता है, एक तो SCG का लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। SCG का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके साथ में इसके अंदर क्या होगा? एमनोरिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एमनोरिया। एमनोरिया देखने को क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी है तो एमनोरिया देखने को स्पष्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डेंजर, क्या पूछ रहा है? डेंजरस ऑफ मोलर प्रेगनेंसी आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी सब के अंदर जो मोलर प्रेगनेंसी है वो डेंजरस है, ठीक है, एक को छोड़ के। तो हेमरेज, कोरियोकार्सिनोमा, सेप्सिस, हैबिचुअल एबॉर्शन। तो राइट आंसर हैबिचुअल एबॉर्शन, मतलब
मोनो प्रेगनेंसी से क्या क्या डेंजर है महिला को, हेमरेज हो सकता है, कोरियोकार्सिनोमा हो सकता है और सेप्सिस यानी इन्फेक्शन हो सकता है उसको, क्या हो सकता है इन्फेक्शन वाली कंडीशन भी इसके अंदर डेवलप हो सकती है, ठीक है। और हैबिचुअल यहाँ पे एबॉर्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो हैबिचुअल एबॉर्शन आपको नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पूछा आपको, ए लेट साइन, ए लेट साइन ऑफ लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी का लेट कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, शोक, कोगुलेशन फेलियर, यूट्राइन परफोरेशन, कोरियो कार्सिनोमा। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था इसका साइन क्या था, एक था कोरियो कार्सिनोमा, बहुत सारे साइन थे उसमें, कोरियो कार्सिनोमा भी आया था अपने सामने, तो अपन को और कुछ सोचने समझने की बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर सीधा सीधा क्या चल जाएगा, कोरियो कार्सिनोमा। शोक जो होगा, शोक आपको इसके अंदर नहीं होता, शोक हाइपोवोलेमिक शोक में होता है, डिहाइड्रेशन में होता है, किस में हो सकता है, डिहाइड्रेशन में हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन में शॉक हो सकता है। कोगुलेशन फेलियर भी इसके अंदर नहीं होगा। यूट्राइन परफोरमेशन, तो परफोरेशन का मतलब होता है, यूट्राइन परफोरेशन का मतलब होता है यूट्रस जो है, और ये आपका सपोज यूट्रस है, ये यूट्रस है, यूट्रस से क्या होगा कुछ भी, यहाँ पे क्या होगा, परफोरेटेड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे छेद बन जाएगा यूट्रस के अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं यूट्राइन परफोरेशन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपको, कॉमोनेस्ट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी का कॉमोनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, मतलब सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा, सेप्सिस, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, परफोरेशन। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था, कार्सिनोमा, और ये कार्सिनोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्सिनोमा। अब जो ओमा वर्ड जो यूज आ रहा है इसके लिए, ओमा, ओमा वर्ड होता है आपके कैंसर के लिए, किसके लिए, कैंसर के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कार्सिनोमा यानी कार्सिनोमा, ठीक है। नेक्स्ट, इन कोरियोकार्सिनोमा लेवल ऑफ दिस हार्मोन इज हाई, अब कोरियोकार्सिनोमा में कौन सा हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है, ये मैंने क्लास शुरू करते टाइम ही बता दिया था आपको, अभी जो क्लास शुरू की ना मैंने उस समय ही आपको बता दिया था, मैं इसका राइट आंसर मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, और अब बार बार मैं बताऊँ वो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आप खुद ही बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, हार्मोन कौन सा बढ़ेगा यहाँ पे, तो HCG, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो मेमोट्रोपिन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, और राइट आंसर होगा यहाँ पे HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये इसके अंदर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। सीरियल HCG लेवल इज यूज्ड टू डायग्नोसिस ऑफ विच फॉलोइंग कंडीशन, कैंसर ऑफ सर्विक्स, कैंसर ऑफ वेजाइना, कैंसर ऑफ एंडोमेट्रियम और कोरियोकार्सिनोमा, यानी सीरियल HCG जो टेस्ट है वो किसके लिए यूज करते हैं, किसके डायग्नोसिस के लिए अपन यूज करते हैं, सीरियल HCG टेस्ट। HCG टेस्ट कब करेंगे, जब मोलर प्रेगनेंसी होगी, मोलर प्रेगनेंसी कब होगी, जब कोरियोकार्सिनोमा वाली कंडीशन डेवलप होगी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सीधा का सीधा डी चला गया, क्या होगा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मैंने पहले ही बोला था क्विक चलेगा, और अपन को देखो हर एक चीज़ें कवर करनी है और हर एक चीज़ तक नोटिस करना, वहाँ तक पहुँचना है, तो थोड़ा रैपिड सेशन तो अपन को चलाना पड़ेगा और आपको भी मेरे साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटा पहले अगर टॉपिक डिस्प्ले हो जाता है तो आपको ये तो पता है कि कल कौन सा होगा, ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ तो ध्यान रखनी है। कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ वेसिकुलर मॉल, वेसिकुलर मॉल का कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन कौन सा होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, एक्सपल्सन ऑफ ग्रेप्स लाइक वेसिकल फ्रॉम वेजाइना, फिर लिखा है वॉमिटिंग, मतलब जब भी मोलर प्रेगनेंसी होगी, वेसिकुलर मॉल होगा, तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है दिखाई देना, बाहर की तरफ क्या चीज़ आएगी, ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग आएगा क्या, एब्डोमिनल पेन होगा,
या ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स आएंगे उसके अंदर वेजाइना से, या वॉमिटिंग होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेप्स लाइक, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी मैं कुल मिला के, ये ग्रेप लाइक नहीं है, ग्रेप्स लाइक कर देना इसको, ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे वेजाइनल ब्लीडिंग राइट है, लेकिन यहाँ पे कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन आपको वेजाइनल ब्लीडिंग ही बताना है, लेकिन ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स भी इसके अंदर से क्या आएंगे, बाहर आएंगे। एब्डोमिनल पेन भी होगा, वॉमिटिंग भी होगा, चारों चीज़ें होती, लेकिन मोस्ट कॉमन अगर मैं बात करूँ कॉमनेस्ट की, तो कॉमनेस्ट आपका वेजाइनल ब्लीडिंग होगा। क्या होगा प्यार दोस्तों? वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है, बहुत बड़ा एमसीक्यू है, तो इसको अच्छे से पढ़े और राइट आंसर देना, ठीक है। आफ्टर सक्शन इवैक्यूएशन, सक्शन एंड इवैक्यूएशन किया है, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल है उसको, क्या है, कई कंप्लीट हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल है, 28 ईयर मतलब 28 साल की महिला है, ठीक है, और मल्टीग्रेविडा है। मल्टीग्रेविडा मतलब बार बार वो प्रेग्नेंट हुई, दो से अधिक बार प्रेग्नेंट है। क्लाइंट आस्क द नर्स व्हेन शी कैन बिकम प्रेग्नेंट अगेन, ठीक है। नर्स वुड एडवाइज टू अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर एटलीस्ट, हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल हो चुकी है उसकी, ठीक है, और वो मल्टीग्रेविडा है, अब वो बोल रही मैं वापस प्रेग्नेंट होना चाहती, ठीक है। तो अब आप नर्स जो है वो उसको कितना गैप रखने की एडवाइस देगी, कितना मतलब मंथ का गैप रखेगी तब वापस प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि उसके अभी क्या हुआ है, हाइड्रेटेड फॉर्म मॉल हुआ है, मतलब क्या है, मॉलर प्रेगनेंसी हुई, मतलब कैंसर से गुजरी है वो, कल मिला गया कैंसर के आसपास की स्टेज है। क्या 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ? राइट आंसर आपका 12 मंथ होगा, मतलब एक साल तक उसको वापस गैप रखना है। कितना? एक साल का गैप रखना, मतलब 12 मंथ का, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन डेंजरस एक्सपोजर टू रेडिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू, मोस्ट कॉमन डेंजर किसका होता है एक्सपोजर टू रेडिएशन का? यूएसजी का, एक्सरे का, सीटी स्कैन का, एब्डोमिनल एक्सरे का। राइट आंसर आपका सी, यानी सीटी स्कैन, यानी यूएसजी तो आप करवाते ही हो, और इसके अंदर कोई रेडिएशन वगैरह नहीं होता है, ठीक है, उसके अंदर वो वेव होती है, साउंड वेव होती है, ठीक है, वही आपको पता लगाती है। एक्सरे जो होता है, चेस्ट एक्सरे अपन प्रेगनेंसी में वैसे कम कराते हैं, और उससे इतना रेडिएशन मतलब इतना घातक नहीं होता, लेकिन सीटी स्कैन का जो रेडिएशन होता है वो यहाँ पे प्रेगनेंसी में बहुत घातक होता है, डेंजरस होता है, ठीक है। एब्डोमिनल एक्सरे भी यहाँ पे बाहर चला जाएगा, राइट आंसर सीधा का सीधा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्स्टेटिकल एमरजेंसी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब सारी की सारी क्या है, ऑब्स्टेटिकल एमरजेंसी है, मतलब गायनिक से रिलेटेड एमरजेंसी है, एमरजेंसी कंडीशन है सारी की सारी, एक को छोड़ के, सारी की सारी है एक को छोड़ के। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा एंटीरियर, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्लेम्सिया, सारी की सारी एमरजेंसी है। देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा एंटीरियर, प्लेसेंटा प्रीविया है, एक्लेम्सिया भी है। राइट आंसर आपका बी चला जाएगा, क्योंकि ये पोस्टीरियर होता तो वो भी इमरजेंसी में ही आता, लेकिन प्लेसेंटा जो पोस्टीरियर होता है वो ही आता है, वो इसके अंदर आता है, ये नहीं आता है, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। प्लेसेंटा पोस्टीरियर आता है ना कि एंटीरियर आता है, ठीक है, आया समझ में। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोंग दीज विच इंडिकेट एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ फिटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, निम्नलिखित में से आपको एबनॉर्मल कंडीशन आपको बतानी है, कौन सी कंडीशन बतानी, एबनॉर्मल कंडीशन बतानी है प्रेगनेंसी में। फिटल हार्ट रेट मोर देन 180 बीट पर मिनट, डिक्रीज फिटल मूवमेंट उसका डिक्रीज हो रहा है। फिर लिखा है फिटल हर्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट, और फिर लिखा है ऑल ऑफ द अबव। तो ये यहाँ पे एबनॉर्मल चीज़ आपको फाइंड आउट करके बतानी, कौन सी चीज़ एबनॉर्मल है, ठीक है। आप सभी को पता है कि FHR जो होती है, आप सभी को पता है FHR जो होती है वो 120 से लेके 160 के आसपास अपन क्या मानते हैं,
नॉर्मल मानते हैं। क्या मानते हैं यहाँ पे? नॉर्मल मानते हैं, ठीक है, ये होती है नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मल पूछा है तो 120 से कम एबनॉर्मल होगी, 160 से ज़्यादा भी एबनॉर्मल होगी। तो ये ए पैरामीटर भी एबनॉर्मल में आ रहा है, सी भी एबनॉर्मल में आ रहा है, क्योंकि यहाँ 100 से कम है और यहाँ पे 180 से ज़्यादा है। अब लिखा है फिटल मूवमेंट उसका कम है, फिटल मूवमेंट ही नहीं करेगा, मतलब वो डेथ भी हो सकता है, तो ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। तो एबनॉर्मल कंडीशन कौन कौन सी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सारी की सारी एबनॉर्मल कंडीशन है, मतलब आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नॉर्मल डिलीवरी? यानी नॉर्मल डिलीवरी के रिगार्डिंग कौन से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, मतलब निम्नलिखित में से एक बताना है जो ट्रू है। फिटस इज बोर्न एट टर्म, फिटस जो है वो जन्म ले रहा है एट टर्म पर। फिर लिखा है प्रेजेंटेशन वर्टेक्स, यानी उसका प्रेजेंटेशन वर्टेक्स है। ऑनसेट जो है उसका स्पॉन्टेनियस है, मतलब स्पॉन्टेनियस अपने आप वो बाहर आ रहा है। फिर लिखा है ऑल ऑफ द अबव। ऐसे इजी क्वेश्चन ही आपको पूछेंगे, ठीक है, आपको ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल डिलीवरी से जो रिलेटेड है वो है आपका एक तो एट टर्म पर होना, मतलब 38 वीक पर क्या होना, बच्चे का बर्थ होना। फिर लिखा प्रेजेंटेशन सिपेलिक में भी वर्टेक्स होना, बिल्कुल राइट है, ये वर्टेक्स लिखा तो बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। सिपेलिक लिखता है तो फिर भी अपन थोड़ा कन्फ्यूजन मान सकते थे। और ऑनसेट इसका स्पॉन्टेनियस होना, और इसी को, इन कंडीशन को अपन क्या बोल सकते हैं, यूटोसिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यूटोसिया। क्या बोल सकते हैं? यूटोसिया। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। आया समझ में? नेक्स्ट, द साइन ऑफ ट्रू लेबर इज, ट्रू लेबर का साइन बताना आपको। म्यूकस प्लग इज एक्सपल्ड फ्रॉम सर्विक्स। फिर लिखा है स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अकर, यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन आर रेगुलर एंड इफेक्टिव। एंड फिर लिखा है फिटस ड्रॉप इनटू ब्रिम ऑफ पेल्विक कैविटी। म्यूकस प्लग जो होता है वो बाहर निकल जाता है सर्विक्स से, क्या इसको अपन ट्रू साइन बोलेंगे लेबर का? स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप रप्चर होती है मेम्ब्रेन, क्या इसको अपन बोलेंगे? यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन आर रेगुलर एंड इफेक्टिव, क्या इसको बोलेंगे? फिटस ड्रॉप इनटू द पेल्विक ब्रिम, क्या इसको बोलेंगे? अब आपको बताना इनमें से राइट आंसर कौन सा है जो ट्रू लेबर का साइन है। सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ट्रू लेबर का जो एग्जैक्ट जो साइन है वो क्या है? फिटस अगर ब्रिम में जा रहा है, ठीक है, ब्रिम में जा रहा है, तो वो फाल्स के अंदर है, अभी तक वो ट्रू में नहीं आया है। लेकिन अगर कॉन्ट्रेक्शन है वो रेगुलर है एंड इफेक्टिव है, ये अच्छे से शो कर रहा है कि वो क्या है? ट्रू लेबर है। क्या है? ट्रू लेबर है, क्योंकि फास्ट लेबर में कॉन्ट्रेक्शन जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं और लेस इफेक्टिव होते हैं, इफेक्टिव इतने नहीं होते, मतलब ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादा टाइम तक नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपको, ट्रू लेबर इज कैरेक्टराइज बाय, ट्रू लेबर किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है? अब नॉर्मल लेबर अपना स्टार्ट हो चुका है, वेसिकुलर मॉल खत्म है, ठीक है। तो ट्रू लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय किसके द्वारा ये कैरेक्टराइज्ड होता है? इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। फिर लिखा है पेनफुल यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन। फिर लिखा है सुपरा प्यूबिक डिसकम्फर्ट एट रेगुलर इंटरवल। और फिर लिखा है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छी बात लिखी है कि ट्रू लेबर के अंदर एक तो इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होता है, बिल्कुल राइट है। पेनफुल यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन आते हैं, बिल्कुल राइट है। सुपरा प्यूबिक डिसकम्फर्ट होता है और रेगुलर इंटरवल पर, ठीक है, ये भी राइट है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा, मतलब ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट है, तो आपका डी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपको, विच इज़ ए प्राइमरी साइन ऑफ लेबर, लेबर का प्राइमरी साइन आपको बताना है, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, एब्डोमिनल कॉन्ट्रेक्शन, पुशिंग बाय मदर एंड इंट्राथोरेसिक प्रेशर। प्राइमरी साइन बताना है आपको किसका? लेबर का। यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, एब्डोमिनल कॉन्ट्रेक्शन, पुशिंग बाय मदर, इंट्राथोरेसिक प्रेशर। पुशिंग बाय मदर तो एक प्रोसीजर में आ जाएगा, ठीक है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर तो वो तो स्पॉन्टेनियस है, वो तो हो गई होगा, लेकिन ये प्राइमरी साइन नहीं होता है। और एब्डोमिनल कॉन्ट्रेक्शन तो इसके अंदर कोई रोल ही नहीं है, तो राइट आंसर आपका यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन चला जाएगा, सीधा का सीधा यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन। ये यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको लेबर के ऊपर से कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि लेबर होता क्या है एक्चुअली में। लेबर, ठीक है, लेबर के ऊपर से
इम्पोर्टेंट चीज़ है डेफिनेशन। सबसे पहली बात तो ये है, इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ द सिस्टमेटिक मेटिक सीरीज ऑफ इवेंट अकर इन दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड लेबल। मतलब एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है, और इसके द्वारा क्या हो रहा है, बेबी कम आउट हो रहा है, बाहर की तरफ कम आउट हो रहा है, बाहर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और वो भी किसके द्वारा, वजाइना के द्वारा, ठीक है। एक सीरीज है, एक प्रोसेस है पूरी, एक मैकेनिज्म है पूरा, उसके द्वारा वो बाहर आ रहा है, उसको अपन बोलेंगे प्यार दोस्तों लेबर। डिलीवरी किसको बोलेंगे, डिलीवरी के अंदर वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है, LSES हो सकता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर कोई मतलब USES भी हो सकता है, अपर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेबर के अंदर जो काउंट किया जाएगा, एक तो लेबर किसको बोल सकते हैं अपन, लेबर स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, इफेक्टिव यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। इसी को अपन यूटोशिया बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यूटोशिया, वो नॉर्मल लेबर होगा, वो नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन होगी। प्रेजेंटेशन भी उसके अंदर वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है, तभी अपन लेबर बोलेंगे, अदरवाइज लेबर नहीं बोल सकते। डिलीवरी तो बोलती है, प्रेगनेंसी जो है वो 28 वीक के बाद में शुरू होती है, मतलब प्रेगनेंसी जो है वो 28 वीक से लेकर अपन 8 बर्थ तक बोल सकते हैं, ठीक है, ये प्रेगनेंसी पीरियड है, मतलब जिसको अपन प्री टर्म बोलते हैं, प्री टर्म प्रेगनेंसी, एक होती है टर्म प्रेगनेंसी, एक होती है मतलब पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है, ये पीरियड होगा वो प्री टर्म के अंदर आएगा। नेक्स्ट लिखा है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन, एक्चुअल लेबर पेन का जो साइन नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है, चूज करके। जो एक्चुअल लेबर का साइन नहीं है वो आपको बताना है चूज करके, प्रोग्रेसिव एफेसमेंट पेन कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमिनल एंड ग्रोइन, फिर लेगा फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, और फिर लेगा डायलेटेशन ऑफ द इंटरनल ऑस, यानी निम्नलिखित में से आपको जो एक्चुअल लेबर पेन का साइन नहीं है वो आपको बताना है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। मतलब प्रोग्रेसिव इफेसमेंट होगा इसके अंदर, फॉर्मेशन बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा, और इंटरनल ऑस भी डायलेट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, पेन कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमिनल टू एंड ग्रोइन, इसके अंदर जो पेन है कन्फर्म्ड होगा वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके किसका साइन है, ये आपके एक्चुअल लेबर पेन का साइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्चुअल का मतलब ट्रू, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ ट्रू लेबर एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़ के सारे के सारे क्या है, ट्रू लेबर के साइन या फीचर्स है, एक को छोड़ के, शॉर्ट सर्विक्स, फिर लिखा है यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन ऑलवेज प्रेजेंट, फिर लिखा है नो शो ऑफ लेबर सिम्टम, और फिर लिखा है ऑस प्रोग्रेसिवली डायलेटेड। तो शॉर्ट सर्विक्स यहाँ पे सारे के सारे क्या है, ट्रू लेबर के साइन है, एक को छोड़ के, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन ऑलवेज प्रेजेंट और नो शो लेबर सिम्टम एंड ऑस प्रीवियसली प्रोग्रेसिवली डायलेटेड, ये तो बिल्कुल राइट है और ये भी राइट है। अब दो में से आपको बताना है कौन सा बाहर होगा, शॉर्ट सर्विक्स होगा या नो यहाँ पे सिम्टम वाला होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्विक्स भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। शॉर्ट का मतलब 2.5 सेंटीमीटर तो होता है सर्विक्स का यहाँ पे, ठीक है, तो ये नहीं होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन आर पेनलेस यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पेनफुल यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, पेनफुल यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्योबर्टी, यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, फोर्थ स्टेज के अंदर जो लेबर के अंदर जो यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन आएंगे वो किस काम के, फोर्थ स्टेज में सब प्लेसेंटा वगैरह सब बाहर हो जाएंगे, वो किस काम के, वो तो ब्लीडिंग करेंगे, इसको तो कर दो बाहर। प्यूबर्टी में यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन आते ही नहीं कभी, ठीक है, पेन लेस नहीं होते हैं यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन, पेन फुल होते हैं, राइट आंसर आपका, या सॉरी पेन फुल नहीं होते, पेन लेस होते हैं, पेन फुल यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है,
क्योंकि ब्रैकस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो पेनफुल नहीं होता है, वो पेन लेस होता है, इसके अंदर पेन नहीं होता है। ये फॉल्स लेबर में देखने को मिलता है, फॉल्स लेबर में देखने को मिलता है। वो ट्रू लेबर का जो यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होगा वो तो ब्रैकस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, उसको अपन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये मतलब पेन लेस होगा, पेन नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, इनफ्रिक्वेंट इरेगुलर पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट ऑन एब्डोमिनल पाल्पेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर टर्म्ड एज ब्रैकस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, क्विकनिंग और साइंड्रोसाइन नन। तो इनफ्रिक्वेंट, इरेगुलर और पेनलेस क्या है? पेनलेस है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, फेल्ट हो रहे हैं एब्डोमिनल पाल्पेशन पर, एब्डोमिनल जब भी पाल्पेट कर रहे हैं तब ये कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है पेनलेस है, पेन फुल होते हैं तो वो अपन एक्चुअल लेबर के पेन को मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रैकस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। राइट आंसर क्या है? ए, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्रैकस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट अपियरिंग एट अराउंड 16 वीक, 24 वीक, 8 वीक, 4 वीक, यानी कितने वीक की प्रेगनेंसी पर ब्रैकस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं? तो 8 वीक की प्रेगनेंसी पर, देख लो आप कितना जल्दी स्टार्ट हो जाए, 8 वीक की प्रेगनेंसी पर ब्रैकस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं पर इतना फेल्ड नहीं होता मदर को, ठीक है। नेक्स्ट, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू बर्थिंग शूट इन अर्ली एक्टिव लेबर, विच नर्सिंग एक्शन टेक प्रायोरिटी ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस? ऑब्टेनिंग द ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, एस्कर्टेनिंग वेदर द मेम्ब्रेन्स हैव रप्चर्ड, ऑस्कल्टेटिंग द FHR और डिटरमाइन व्हेन द लास्ट मील वाज टेकन। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है और बहुत इसका इजी आंसर भी है, ठीक है। पूछा है कि क्लाइंट है वो एडमिटेड हुआ है, मतलब एडमिट हुआ है, सिंपल सी बात है। कहाँ पे एडमिट हुआ है? ब्रीथिंग शूट यानी लेबर रूम में ही एडमिट हुआ है, ठीक है। अर्ली एक्टिव लेबर है उसका, तो विच नर्सिंग एक्शन, ऐसा नर्सिंग एक्शन आपको बताना है प्रायोरिटी पे, ठीक है। मतलब एडमिशन होते ही, एडमिशन प्रोसेस जब भी होगी उस महिला की, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? क्या आप सबसे पहले ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लोगे? क्या आप सबसे पहले उसके मेम्ब्रेन को चेक करोगे कि रप्चर है या नहीं है? क्या आप उसकी FHR को चेक करोगे? और क्या इसके खाने के बारे में आप पूछोगे कि लास्ट मील आपने कब किया? तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चे की यहाँ पर ज़िंदगी बहुत प्यारी है सबको, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि FHR है या नहीं है। FHR नहीं है तो फालतू झंझट क्यों करें, ठीक है, क्योंकि फालतू झंझट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो लेबर करना नहीं है अपन को। लेकिन FHR आपसे प्रेजेंट है तब अपन को वेट करना है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का, ठीक है। नेक्स्ट, द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स इज, यानी ऐसा फैक्टर आपको बताना है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स के लिए। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, पेनफुल यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे पेन फुल लिखा है याद रखना, पेन लेस नहीं लिखा है, फेटल एक्सिस प्रेशर, और फिर लिखा है ऑल ऑफ द अबव। फिटल एक्सिस प्रेशर का मतलब होता है कि फिटस का मतलब अगेंस्ट प्रेशर भी लगना है, पेल्विक फिटस ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से भी ऊपर की तरफ रिंग का प्रेशर पड़ेगा, ठीक है वो। और फिर लिखा फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, और बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होना उससे या सर्विक्स डायलेट होती है क्या, या कॉन्ट्रैक्शन से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी सारे फैक्टर जो है वो आपके डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से रिलेटेड है। अभी तक तो आपने क्या पढ़ा था कि यही रेस्पॉन्सिबल है, क्या है, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही डायलेट होता है, ठीक है। लेकिन बैग ऑफ वाटर बनना, बैग ऑफ वाटर क्या है, इस प्रकार से बाहर की तरफ भी एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है, बाहर की तरफ भी क्या बन जाएगी, एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहेगा, ठीक है। फिटल एक्सिस प्रोसेसर, ये सब की वजह से होता है, ठीक है। अब लिखा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर देयर इज सम कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंडल कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलिटेशन कॉल्ड। फर्स्ट स्टेज के दौरान, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सम कोऑर्डिनेशन, फंडल कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल डायलिटेशन को अपन क्या बोल सकते हैं?
पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, रिट्रैक्शन रिंग, लाइटनिंग एंड नन। फंडल कॉन्ट्रैक्शन भी है और कोऑर्डिनेशन भी है और सर्वाइकल डायलेटेशन भी है, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। क्या बोलेंगे? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। आया समझ में? लोअर पोल, अपर पोल, ठीक है, दोनों का प्रेशर एक साथ लगेगा, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? बच्चा बाहर आएगा। आया समझ में? अब मैं आपको बता देता हूँ एक लेबर की सिंपल सी यहाँ पे स्टेजेस, क्योंकि वो अभी तक टॉपिक आया नहीं है और आएगा तो और भी मैं बता दूंगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा अपना कंटिन्यू ही रहेगा, ठीक है, बार बार। तो लेबर की मैं ऊपर से बताऊंगा, कहाँ से बताऊंगा? ऊपर से, ठीक है, ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे हम, लेटेंट का कितना टाइम होता है ये ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है, ऊपर से पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज, फिर है सेकंड स्टेज, फिर है थर्ड स्टेज और फिर है फोर्थ स्टेज। चार स्टेज होती है लेबर की। पहली स्टेज को अपन बोलेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। इसके अंदर क्या होता है? ट्रू लेबर पेंस है, ट्रू लेबर पेंस है, पेन टू यहाँ से स्टार्ट होती है और फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है, यहाँ तक ये होती है स्टेज। सेकंड स्टेज की मैं बात करूँ, ये होती है फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके बेबी बर्थ या डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी एक्सपल्सन ऑफ द बेबी तक। थर्ड स्टेज होती है एक्सपल्सन ऑफ बेबी से लेके बेबी टू एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा तक। फोर्थ स्टेज होती है वो 1 आवर का जो पीरियड होता है वो आपकी पेरिनियल केयर के अंदर चला जाएगा, पेरिनियल केयर और न्यूबॉर्न केयर, ठीक है। ये है आपकी, क्या है, सारी की सारी आपकी लेबर की स्टेजेस है। अब मैं सारों को टाइमिंग बता देता हूँ, ठीक है। पहली जो फर्स्ट स्टेज है वो आपके 12 घंटे लेती है प्राइमरी ग्रेविडम, और मल्टी ग्रेविडम 6 आवर का टाइम लेती है। कितने घंटे का टाइम लेती है? 6 आवर का, ठीक है। सेकंड स्टेज के अंदर आपके, इसके अंदर तो लगेंगे आपको कम से कम, आपको लगेंगे 6 घंटे का टाइम, 4 घंटे का टाइम, सॉरी 4 का, इसके अंदर लगेगा 2 आवर का टाइम लगेगा। और थर्ड स्टेज के अंदर 5 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है, प्लेसेंटा को डिलीवर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये हो गया आपके 8 घंटा और ये हो गया आपके 16 घंटा, 16 से 18 भी मान सकते हो, ये 4 से 6 मान सकते हो, ठीक है, 4 से 6 और ये 2 से 4 भी मान सकते हो, यहाँ पे 10 भी कर सकते हो। मल्टी ग्रेविडा में तो आपको 8 से 10 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है, डिलीवरी में, और प्राइमरी ग्रेविडा में 16 से 18 घंटे का टाइम लगेगा। आया समझ में? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 1 घंटा आपके फोर्थ स्टेज का जाएगा, ठीक है, ये है सिंपली आपका यहाँ पे। और अब इस फर्स्ट स्टेज के अंदर भी बहुत सारी स्टेजेस होती है, वो अपन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्राउनिंग होती है, क्राउनिंग से ही सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद में लेटेंट फेज के अंदर आपको क्या करना है? मेथार्जिन लगाना है। मेथार्जिन बाद में लगाना है, पहले नहीं लगाना। मेथार्जिन बाद में लगाओगे क्या होगा? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप होंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और फिर क्या होगा? ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, पीपीएच बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, वही चीज़ आई है जो मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर किसको बोल सकते हैं? मेम्ब्रेन रप्चर हुई रही उसको बोल सकते हैं, या 3/5 डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स और फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स को बोल सकते हैं, या क्राउनिंग ऑफ द हेड। फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स और क्राउनिंग ऑफ द हेड, ये क्या है? सेकंड स्टेज है। क्या है? सेकंड स्टेज। लेकिन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या शो करेगा आपको? सॉरी, हाँ, फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स इसी के अंदर होता है और यहीं से स्टार्ट होती है सेकंड स्टेज। तो फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स के ऊपर फर्स्ट स्टेज क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेज को एंड कहाँ पर मानेंगे अपन? फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स तक, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्रेविडा, अभी जस्ट बताया था मैंने, 8 से 10 घंटे के किस्में बताए थे मल्टी में, और 12 से 14 घंटे किस्में बताए थे मैंने फर्स्ट स्टेज का, 12 घंटे बताया था मैंने, 12 घंटे किस्में बताया था फर्स्ट स्टेज में प्राइमरी ग्रेविडा में। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट पूछा आपको कि प्राइमी पैरा टाइम पीरियड फॉर लेटेंट फेज इन पार्टोग्राफ इज अबाउट, तो इसका ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, इसमें सिर्फ 8 घंटे का टाइम है। प्राइमी पैरा में आपके पार्टोग्राफ के अंदर लेटेंट फेज है, उसका 8 घंटे का टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा है कि विच स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड विद एक्सपल्सन ऑफ द फीटस फ्रॉम बर्थ कैनाल, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, यानी फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, वहाँ पे होते हैं 4 गोले, 4 की जगह पे राजस्थान सरकार ने तो 5 कर दिए शायद, और ये 5 गोले, ठीक है। ये वाला तो मतलब जो आंसर आपको नहीं करना है, ये आंसर मान लो आपको नहीं करना, आ ही नहीं रहा, तो 5वें पे गोला करना है, ये तो ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे को पता है कि ये क्या है, सेकंड स्टेज एक प्रकार की, क्या है, आपके फुल डायलेटेशन सर्विक्स से स्टार्ट हो रही है और एक्सपल्सन ऑफ द फिटस तक एंड हो रही है, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे सेकंड स्टेज। अब बच्चे क्या करते हैं, सेकंड स्टेज ऑप्शन डी में है, जबकि बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर गोला लगाए थे सेकंड पर, और ये सबसे बड़ी यहाँ पर क्या होती है, कमजोरी होती है बच्चों की, तो आपको गोला कहाँ लगाना, डी में लगाना, याद रखना डी में लगाना, सेकंड स्टेज डी में दे रखा, नहीं कि सेकंड स्टेज आपके सेकंड ऑप्शन में दे रखा, ठीक है, तभी आपका राइट होगा, अदरवाइज ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, आते हुए भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द पॉजिटिव साइन फॉर बिगनिंग ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो होती है उसका पॉजिटिव साइन बताना है आपको, ठीक है, क्या बताना है, पॉजिटिव साइन आपको बताना है, एक्सपल्सन ऑफ क्लियर वेजाइनल फ्लूड, कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर, इन रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन रप्चर है, सर्विक्स इज फुली डायलेटेड, यानी सर्विक्स जो है वो फुली डायलेटेड है, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है। पॉजिटिव साइन पूछा है बिगनिंग ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का, यानी सेकंड स्टेज लेबर की जो स्टार्ट होगी तब का साइन पूछा है, जब स्टार्ट होगी तब सर्विक्स क्या हो जाएगी, फुली डायलेटेड होगी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, मतलब क्या है, डी है। नेक्स्ट, कार्डिनल मूवमेंट अकर बिफोर एक्सपल्सन इज, एक्सपल्सन से पहले जो कार्डिनल मूवमेंट आता है वो क्या होता है, एंगेजमेंट होता है क्या, क्राउनिंग होता है क्या, इंटरनल रोटेशन होता है या एक्सटर्नल रोटेशन होता है, एक्सपल्सन होने से पहले क्या होता है यहाँ पे, एक्सटर्नल रोटेशन होता है, मतलब इंटरनल रोटेशन तो पहले ही हो जाएगा, एक्सटर्नल रोटेशन बाद में होगा। अब मैं आपको 9 स्टेज बता देता हूं, ई डी एफ, आइस और रेड, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं वैसे ही बता दूंगा, EDF, आइस, रेड, ये 9 मैकेनिज्म है किसके, लेबर के। ई का मतलब होता है यहाँ पे एंगेजमेंट, क्या होता है, एंगेजमेंट, ठीक है। डी का मतलब होता है डिसेंड ऑफ फिटस, क्या होता है, डिसेंड ऑफ फिटस। ए एफ का मतलब होता है, EDF आ रहा है, एफ का मतलब होता है फ्लेक्शन ऑफ द हेड, फ्लेक्स होगा हेड। आई का मतलब होता है आपको इंटरनल रोटेशन, सी का मतलब होता है आपका क्राउनिंग, क्या होता है, क्राउनिंग, सी का मतलब क्या होता है, क्राउनिंग। ई का मतलब होता है एक्सटेंशन, क्या होता है, एक्सटेंशन, क्या होता है, एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंड होगा, पहले फ्लेक्स होगा फिर एक्सटेंड होगा, एक्सटेंशन। फिर आर का मतलब होता है रेस्टिट्यूशन, क्या होता है, रेस्टिट्यूशन। फिर वापस एक और ई आ रहा है, तो इस ई का मतलब होगा आपका एक्सटर्नल रोटेशन, क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन। ऊपर क्या था पहले, पहले इस ई का मतलब क्या था, एक्सटेंशन, और फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन, और फिर क्या होगा, डी का मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी या ट्रंक, ठीक है, डिलीवरी ऑफ द ट्रंक, पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ई डी एफ, आइस, रेड, ये 9 मैकेनिज्म है किसके हैं, लेबर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट पूछा आपको, ड्यूरिंग विच स्टेज, यानी किस स्टेज के दौरान वुड द नर्स असेस क्राउनिंग, क्राउनिंग को असेस किया जाता है, आपकी कौन सी स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, कौन सी है, सेकंड स्टेज है,
ठीक है, आया समझ में? सेकंड स्टेज में आपको क्राउनिंग को असेस किया जाएगा, आया समझ में? नेक्स्ट, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब फिटल डिसेंट ड्यूरिंग लेबर? डायलेटेशन, स्टेशन, पोजीशन, प्रेजेंटेशन। बेस्ट डिस्क्राइब फिटल डिस्टेंस को कौन करेगा? डिसेंट जो होगा फिटस, उसको बेस्ट डिस्क्राइब कौन करेगा? डायलेटेशन करेगा, स्टेशन करेगा, पोजीशन करेगा या प्रेजेंटेशन करेगा? तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, यानी स्टेशन। स्टेशन जो होगा वो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा आपको, एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द पेल्विस दैट डिटरमाइंस द डिस्टेंस ऑफ द डिसेंट ऑफ द हेड इज नाउन एज इस्टियल स्पाइन, इस्टियल टोब्रोसिटीज, लेनिया टर्मिनलिस या सेक्रम। इम्पोर्टेंट लैंडमार्क आपको बताना है पेल्विस का, ठीक है, डिटरमाइन करके डिस्टेंस ऑफ द फिटस, डिसेंट ऑफ द फिटस का हेड। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं इस्टियल स्पाइन। क्या बोल सकते हैं? इस्टियल स्पाइन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्लस टू स्टेशन पोजिशन ऑफ द फिटस हेड इज, ड्यूरिंग प्लस टू स्टेशन जो होता है वो किसके अंदर अपन शो करते हैं? पोजिशन ऑफ द फिटस क्या होगी उसकी? स्टेल स्पाइन के नीचे होगा, स्टेल स्पाइन के ऊपर होगा। तो आपको बता देता हूँ, जीरो का मतलब होता है, जीरो स्टेशन का मतलब होता है स्टेल स्पाइन। क्या होता है? स्टेल स्पाइन। और अब होगा तो किस में चला जाएगा? माइनस में, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। और अगर नीचे होगा मतलब बिलो ऑफ द स्टेल स्पाइन तो प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेल स्पाइन के नीचे, यानी बिलो द स्टेल स्पाइन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, बिलो द स्टेल स्पाइन। आया समझ में? नेक्स्ट, स्टेशन के लिए जो अपन लैंडमार्क मानते हैं ना, वो कौन सा है? स्टेल स्पाइन के लिए जो लैंडमार्क स्टेल स्पाइन होता है, और स्टेशन उसका प्लस है तो नीचे आएगा और माइनस है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग लेबर स्टेशन प्लस वन है, इंडिकेट क्या करेगा? प्रेजेंट की बात, कौन सा अबव है, बिलो है या एड स्टेल स्पाइन है? एड स्टेल स्पाइन जीरो स्टेशन आता है, ठीक है। बिलो आएगा एक, दो, तीन, चार, पाँच प्लस में, और अबव आएगा माइनस में। राइट आंसर बी हो जाएगा, बिलो द स्टेल स्पाइन। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड? लेबर की कौन सी स्टेज के अंदर प्लेसेंटा डिलीवर होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? फर्स्ट स्टेज में डायलेशन होगा बस, ओनली फॉर। सेकंड में बेबी बाहर आएगा, थर्ड में प्लेसेंटा बाहर आएगी, फोर्थ में आपकी रिकवरी फेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है सारे के सारे, आपको बस एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इस एग्जाम में, ठीक है। और मैं आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ही रैपिड सेशन चला रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए और अच्छे से आप एग्ज़ाम भी अच्छे से दे पाओ, ठीक है। ये एग्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी है इस एग्ज़ाम से पहले तैयारी में। और मैं कह रहा हूँ अभी भी जुड़ जाओ, और ये पुरानी जो क्लासेज हैं वो देख लेना, और आगे आने वाली क्लासेज देख लेना, आपका बेड़ा पार है। लेकिन अभी भी आप अगर ये चीज़ें नहीं की, फॉलो नहीं की, किताबें नहीं पढ़ी आपने, कुछ भी नहीं किया, तो फिर टाइम तो हाथ से निकल रहा है, एग्ज़ाम पास में है। 3 फरवरी से 4 फरवरी भी नहीं होगा वो, 3 फरवरी का मतलब 3 फरवरी है, ठीक है। होगा मतलब होगा, देने जाना है, नहीं जाओगे तो आपके आप जानो, फिर आपको जो करना है वो कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरी एक ही राय है कि अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी भी मेरे पास कितनी क्लासें हैं? 141 क्लासें। और 141 क्लासों को देखने के लिए मेरे को नहीं लगता कि आप अगर 6 घंटा भी रोज़ देखते हो तो आपको ये टाइम कम पड़ेगा, ठीक है। ये आप कम से कम आप मानो, अगर 6 घंटा रोज़ के डेली के देखते हो तो 1 महीने में आप सारी क्लासें कवर कर सकते हो, सारी क्लासें 1 महीने में भी, 1 महीने से भी कम टाइम में भी कवर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही मैं कहूँगा, एक ही बात है कि थोड़ी यहाँ पे कंसिस्टेंसी बनाए रखना, और अभी भी टाइम है, 6 घंटे डेली के भी दोगे आप तो इसमें आप फाइट कर सकते हो, मतलब दौड़ में शामिल हो सकते हो।
क्या पता आपका लक चल जाए और अगर आपने ऐसे तुक्का भी मार दिया और वो क्वेश्चन आपका राइट निकल गया तो आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपके मम्मी जी और पापा जी तो खुशी होंगे ना, या वो ना खुश होंगे इस एग्ज़ाम के सिलेक्शन से? ना खुश तो कोई नहीं होगा, मेरे को तो ऐसे लगता है घर में तो कोई ना खुश नहीं होगा अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो। और 1500 सीटें हैं, बहुत अच्छी खासी सीटें हैं, GNM के बच्चे आने वाले हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है एग्ज़ाम, ठीक है। तैयारी को मजबूत कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। मैं क्लास को थोड़ा आगे और बढ़ाता हूँ क्योंकि आज अपन को लेबर पूरा करना है, नॉर्मल लेबर पूरा करना है, कल अपन एबनॉर्मल लेबर की तरफ बढ़ेंगे और फिर डिसऑर्डर की तरफ, ठीक है। डिसऑर्डर भी बहुत सारे हैं अपने पास में, बहुत सारे तो अपने पढ़ भी लिए, बहुत सारे और भी है, तो कुल मिला के अपना आज का दिन है और कल का दिन और है अपने पास में। कल के दिन में मैं चाहता हूँ कि पूरा आपका फिनिश हो जाए एक बार, तो कल आपकी पूरी OBG में फिनिश करने की पूरी कोशिश करूँगा। द प्लेसेंटा शुड बी डिलीवर्ड इन विद इन हाउ मैनी मिनट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी प्लेसेंटा जो होगा वो डिलीवर होगा इन विद इन हाउ मैनी मिनट, यानी कितने मिनट में डिलीवरी के बाद में कितने मिनट में ये प्लेसेंटा डिलीवर्ड होगा ये पूछा है। 5 से 15 मिनट, 30 मिनट, 45 से 60 मिनट और 1 से 2 घंटे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए, यानी 5 से 15 मिनट, क्या हो जाएगा 5 से 15 मिनट। नेक्स्ट पूछा आपको ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का ड्यूरेशन बताना है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 12 घंटे और 30 से 45 मिनट। थर्ड स्टेज का जो ड्यूरेशन होगा वो 30 से 45 मिनट होगा, क्या होगा 30 से 45 मिनट। और अगर आप इसकी बात करो तो वो होगा 5 से 15 मिनट में प्लेसेंटा डिलीवर होने में टाइम लगाएगा। बस बच्चे कहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं मैं बता देता हूँ, बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं, थर्ड स्टेज का ड्यूरेशन तो जब 30 से 45 मिनट है, ठीक है, तो प्लेसेंटा डिलीवर भी इतना टाइम में होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूँ प्लेसेंटा को डिलीवरी कराने के लिए अपन कितनी मशक्कत करते हैं, वो टाइम कहाँ गया, ठीक है। तो 5 से 15 मिनट में प्लेसेंटा डिलीवर नहीं होती है, वो मशक्कत भी करनी पड़ती है, वो 30 से 45 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड स्टेज एंड कब होती है प्लेसेंटा की डिलीवरी पे, ठीक है, ये डिलीवरी होती है प्लेसेंटा, डी इज़ द करेक्ट आंसर है। और रैपिड सेशन में मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, बिना किसी डिले के अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ़र फ्रॉम प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा के अंदर कितना ब्लड ट्रांसफ़र होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी के बाद में, कॉर्ड क्लैंपिंग और डिले टिल द सिजेरियन सिसेशन ऑफ द कॉर्ड पल्सेशन। तो क्या लिखा, हाउ मच अमाउंट ब्लड ट्रांसफ़र फ्रॉम प्लेसेंटा टू बेबी, प्लेसेंटा से बेबी के अंदर हाउ मच यानी कितना ब्लड ट्रांसफ़र होता है आफ्टर द डिलीवरी, व्हेन द कॉर्ड क्लैंपिंग, जब भी आप कॉर्ड क्लैंप करते हो तो डिले टिल द सिजेशन ऑफ कॉर्ड पल्सेशन, जब तक कॉर्ड में पल्स आ रही है तब तक आपको डिले करना है, किसको, कॉर्ड क्लैंपिंग को, कॉर्ड को क्लैंप नहीं करना है या कट भी नहीं करना है, जब तक आपके पल्सेशन आ रही है तब तक ब्लड को डिलीवर होने देना है। तो वो ब्लड डिलीवर होता है वो कितना होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 100 से 80 ml, 80 से 100 ml, 40 से 60 ml, 120 से 150 ml या 10 से 30 ml। तो राइट आंसर आपका 80 से 100 ml होगा, क्या होगा, 80 से 100 ml तक आपके डिलीवरी होने के बाद में भी ब्लड क्या होता है यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी द नर्स शुड मॉनिटर FHR, uterine activity and maternal vital sign in a high risk woman during the first stage of labor। यहाँ पे लिखा है 8 watt frequency, यानी frequency आपको बतानी है। The nurse should monitor FHR, जब nurse जो है वो FHR monitor करेगी, uterine activity, maternal vital sign and high risk woman, ठीक है, during the first stage of labor। एवरी 5 मिनट, एवरी 10 मिनट, एवरी 15 मिनट, एवरी 30 मिनट, मतलब FHR जब भी मॉनिटर करेगी तब
मेटरनल जो वाइटल साइन है उसको मॉनिटर करना है अपन को, तो वो कब कब करेंगे फर्स्ट स्टेज के अंदर, वो करेंगे आप 15 मिनट के अंदर, एवरी 15 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन शुड द नर्स ट्रांसपोर्ट मल्टीपेरा पेशेंट फ्रॉम लेबर रूम टू डिलीवरी रूम, यानी कब आप मल्टीपेरा जो वुमन होगी उसको लेबर रूम से डिलीवरी रूम में ट्रांसफ़र करोगे। जब सर्वाइकल डायलेटेशन 8 सेंटीमीटर हो जाएगा तब, सर्वाइकल डायलेटेशन फुल यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तब, फिर लिखा है यहाँ पे सर्वाइकल डायलेटेशन 9 सेंटीमीटर होगा तब, या व्हेन पेशेंट फुल फील्स अर्ज टू पुश, जब भी पेशेंट फील करेगा कि मेरे को पुश करना है अब, तब करोगे क्या। तो ये तो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है क्योंकि दोनों ही 10 सेंटीमीटर को ही शो कर रहे हैं, ठीक है। और 9 तो बिल्कुल 10 के अब वो पास में हो जाता है, ये तीनों ही क्या होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 8 सेंटीमीटर पे ही अपन को यहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा वुमन को, अदरवाइज ले जाते समय डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पर आप उसको ट्रांसफ़र करोगे उसी समय डिलीवरी हो जाएगी, ट्रांसफ़र ही नहीं करोगे उससे पहले ही हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पूछा आपको, वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड एमनियोटॉमी ड्यूरिंग लेबर कॉज राइज इन मैटरनल प्लाज्मा ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन एज पेक्स्टोनिक्स कॉन्ट्रैक्शन लाइटनिंग फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स और शो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वेजाइनल एग्जामिनेशन पूछा है और एमनियोटॉमी पूछा है ड्यूरिंग लेबर, कोज करता है राइज इन मैटरनल प्लाज्मा, मैटरनल प्लाज्मा बढ़ता है इसके अंदर, ऑक्सीटोसिन का लेवल भी बढ़ता है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। ये तो माइंड में रखना है, वैसे ये आपको याद ही करना है और कुछ ही नहीं हो सकता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल परफॉर्मिंग ए वेजाइनल एग्जामिनेशन, जब भी आप वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हो फॉर ए वुमन हु इज इन लेबर प्रोसेस, जब वह लेबर प्रोसेस में है तब आप वेजाइनल एग्जामिनेशन अगर कर रहे हो तो यू कैन फील स्केपुला इन द फिटस, फिटस के अंदर स्केपुला फील हो रहा है, स्केपुलर पार्ट फील हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रेजेंटेशन, फिटल प्रेजेंटेशन इज एक्सपेक्टेड इन दिस केस, तो इसमें आप प्रेजेंटेशन कौन सा मानोगे कि कौन सा प्रेजेंटेशन है उसके अंदर, मतलब स्केपुलर फील हो रहा है मतलब शोल्डर फील हो रहा है, तो शोल्डर फील होगा तो प्रेजेंटेशन भी कौन सा होगा, शोल्डर। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को। अगला क्वेश्चन पूछ रहा आपको कि When the lower wall of the uterus is grasped with the right hand and facing the woman's head is known as, lower wall of uterus को आप felt कर रहे हो, ठीक है, या आपको पूछ रहे हैं Leopold's manual के ऊपर से, ठीक है, तो grasp कर रहे हो आप right hand and facing the woman, right hand से आप उसको feel कर रहे हो और woman की तरफ ही आपका face है examiner का, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अब lower wall of uterus को वो felt कर रहा है, ठीक है, तो पेल्विक पाल्पेशन, कंबाइंड ग्रिप, पावलिक मैन्यूअर्स और नन, तो पावलिक मैन्यूअर्स होगा, क्या होगा यार, राइट आंसर पावलिक मैन्यूअर्स। नेक्स्ट पूछा आपको, डॉक्टर डिटरमाइन फिटल पोजीशन यूजिंग लियोपोल्ड्स मैन्यूअर, द फर्स्ट मैन्यूअर इज टू, फर्स्ट मैन्यूअर कौन सा है ये पूछ रहा है, डिटरमाइन डिग्री ऑफ मॉडलिंग मोल्डिंग, डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ फिटस, डिटरमाइन पार्ट ऑफ फिटस इन फंडस एंड लोकेट द बैक आर्म एंड लेग, तो फर्स्ट जो मैन्यूअर होगा कौन सा, तो उसको अपन बोलेंगे फंडल, फंडल मैन्यूअर, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे फंडस वाला एरिया, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है आपके सामने, विच एब्डोमिनल ग्रिप इज यूज्ड टू असेस द डिसेंट ऑफ द हेड इन ए प्रेग्नेंट वुमन, प्रेग्नेंट वुमन में एब्डोमिनल ग्रिप पूछा है आपको कि डिसेंट ऑफ फिटस, प्रेग्नेंट वुमन फंडल लेटरल पेल्विक फर्स्ट पेल्विक सेकंड, बहुत अच्छी बात लिखी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड टाइप है, ठीक है, ये थर्ड टाइप है और ये फर्स्ट जो है वो फोर्थ टाइप में आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना स्पेशल, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला हिस्सा है। तो विच एब्डोमिनल ग्रिप, यानी कौन से एब्डोमिनल ग्रिप है जिसमें डिसेंट ऑफ द हेड का असेसमेंट किया जाएगा, मतलब पेल्विक, पेल्विक की तरफ से असेस किया जाएगा, तो फंडल और लेटरल नहीं होगा, पेल्विक फर्स्ट होगा, वो लास्ट वाला, लास्ट वाले के अंदर आप वन हैंड से आप यूज़ करते हो और फिर ये इस प्रकार से करते हो, इसमें बोथ हैंड का यूज़ किया जाएगा, लेकिन ये किस तरफ होगा, ये जो राइट, ये पेशेंट, पेशेंट जो होगा ये पेशेंट है, ठीक है, और इसके यहाँ पे एग्जामिनर खड़ा रहेगा,
ये किस में खड़ा रहेगा, ये आपके पेल्विक सेकंड में, फर्स्ट में इस तरफ खड़ा रहेगा और एक हाथ से यहाँ पर प्रेस करेगा नीचे की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एक्सेप्ट, सारे के सारे मेथड है इंडक्शन ऑफ लेबर के, एक को छोड़ के, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, फिर लिखा है यहाँ पे मेथार्जिन, फिर लिखा है ऑक्सीटोसिन, फिर लिखा है प्रोस्टाग्लैंडिन। एआरएम तो इंडक्शन ऑफ लेबर करता है, ऑक्सीटोसिन भी करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी करता है, लेकिन मेथार्जिन अपन कब देते हैं, एंटीलेग शोल्डर की डिलीवरी के बाद में, ठीक है। तो ये याद रखना, मेथार्जिन ये काम नहीं करता है, इंडक्शन ऑफ लेबर का काम नहीं है, ये पीपीएच को कंट्रोल करेगा, क्या करेगा, पीपीएच को कंट्रोल करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा के पीपीएच को कंट्रोल करेगा, ठीक है, आया समझ में, बढ़े आगे। नेक्स्ट पूछ रहे आपको द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चीज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछा है इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर, तो प्लेसेंटा प्रीविया, पेटल माइक्रोसोमिया, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, सीपीडी, यानी आपके इंडक्शन ऑफ लेबर किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, फेटल माइक्रोसोमिया के अंदर, कॉर्ड प्रेजेंटेशन के अंदर, सारों में कर सकते हो आप इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हो, सीपीडी में नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सिपेलो पेल्विक जो डिसप्रोपोर्शन है वो होगा, मतलब हेड तो बड़ा पेल्विस छोटी, तो बच्चा निकलेगा ही नहीं, इंडक्शन ऑफ लेबर आपके घातक सिद्ध होगा, ठीक है। तो ये आप नहीं करोगे, डी आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा, ठीक है, डी आपका करेक्ट चला जाएगा, ठीक है, डी आपका करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, द फॉलोइंग आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एक्सेप्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इंडक्शन ऑफ लेबर में एआरएम, प्लेसेंटा प्रीविया, सीपीडी और कॉर्ड प्रीलिप्स, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एआरएम, एआरएम अपन किस में नहीं करेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर में एआरएम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है, एआरएम अपन नहीं करेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया में कर सकते हैं, सीपीडी में कर सकते हैं और कॉर्ड प्रोलप्स में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल एफएचआर कितनी होती है, 90 से 100 रेगुलर, 100 से 120 इरेगुलर और 120 से लेकर 140 रेगुलर या 160 रेगुलर, 120 से 160 रेगुलर, तो राइट आंसर यही होगा डी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं अपन को और भी करने हैं बहुत सारे, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ी स्पीड से और चले, ए सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर ऑफ फिटल वेल बींग एज इफ एफएचआर इज, वही पूछा है क्वेश्चन और कुछ नहीं है, आपको आता ही है, कुल मिलाकर बी आपका राइट है, नॉर्मल एफएचआर पूछी है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एन एबनॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग और फर्दर टेस्टिंग ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट एन एबनॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग, एबनॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग पूछी है, फर्दर टेस्टिंग ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कंसिस्टेंट इंक्रीज इन फंडलाइट, एफएचआर ऑफ 180, ब्रेक्सटोनिक्स कॉन्ट्रेक्शन और क्विकनिंग, एबनॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग पूछी है आपको, ठीक है, तो कंसिस्टेंट इंक्रीज इन फंडलाइट होता है, यह भी बढ़िया बात है, ये बढ़िया बात है, अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए, एफएचआर 180 तो नहीं होनी चाहिए, कम से कम 120 से 160 होनी चाहिए, ठीक है, ब्रेक्सटोनिक्स कॉन्ट्रेक्शन ये भी अच्छी बात है, क्विकनिंग हो रही है, मतलब फिटस तो जीवित है ना कम से कम बच्चा है अंदर, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, तो बी आपका राइट हो जाएगा, मतलब आप एबनॉर्मल चीज़ क्या हो जाएगी, बी एफएचआर ज़्यादा होना। फिर गए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन एंड डिसेंट एक्सेप्ट, यानी प्लेसेंटल सेपरेशन और डिसेंट से रिलेटेड सारे के सारे साइन है, एक को छोड़ के, फंडस बिकम राउंडर, शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड, स्मॉल फ्रेश ब्लड लॉस एंड फिर लिखा लाइटनिंग ऑफ द सॉरी लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड, तो राइट आंसर है शॉर्ट कॉर्ड, ठीक है, क्या होगा शॉर्ट कॉर्ड, मतलब प्लेसेंटल सेपरेशन जब भी होगा तब एक तो आपके फंडस जो होगा वो राउंड हो जाएगा, बिल्कुल राउंड जैसा था पहले वैसे ही हो जाएगा, और फ्रेश ब्लड आएगा उसके अंदर, और लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ बढ़ जाएगी उसकी बाहर की तरफ, कॉर्ड शॉर्ट नहीं होगी, याद रखना कॉर्ड शॉर्ट नहीं होगी, ठीक
ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी चला जाएगा। सारे एक्सेप्ट में ही पूछा है, आज के सवाल जो थे सारे के सारे क्या थे, एक्सेप्ट में थे। अधिकतर सवाल मैंने एक्सेप्ट में पूछे और आपको थोड़ा घुमाने की कोशिश की थी, और आपने भी क्या किया यहाँ पे सब्र रखा और रैपिड सेशन के अंदर पूरा एंजॉय लिया। ठीक है, तो रैपिड सेशन में कुछ एमसीक्यू और है। द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन इज, प्लेसेंटल सेपरेशन के अंदर अर्लीस्ट साइन कौन सा है, सडन गस्ट ऑफ ब्लड फ्लो पर वेजाइना, चेंज इन शेप ऑफ यूट्रस, इंक्रीज हाइट इन फंडस, शॉक। राइट आंसर ए हो जाएगा, मतलब सडन गस्ट ऑफ ब्लड फ्लो पर वेजाइना। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ को डिस्कवर किसने किया था, डॉक्टर आर एच फिल पॉटर ने, डॉक्टर ए एल मुदालियर ने, और डॉक्टर विलियम शाह ने, या डॉक्टर शिरोदकर ने। तो राइट आंसर है ए, ए का मतलब होता है डॉक्टर आर एच फिल पॉटर ने। नेक्स्ट है, पार्टोग्राफ इंक्लूड और सेलियंट फीचर्स ऑफ लेबर एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़ के सारे फीचर्स है पार्टोग्राफ में, पल्स, फेटल प्रेजेंटेशन, FHR और फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। तो राइट आंसर है बी, एंड फेटल प्रेजेंटेशन इसके अंदर अपन इंक्लूड नहीं करते हैं, पल्स करते हैं आप, FHR करते हो, कॉन्ट्रेक्शन की फ्रिक्वेंसी वगैरह करते हो, तो ये भी राइट है। नेक्स्ट है, वापिस बता देता हूँ मैं, पार्टोग्राफ में आप कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड करते हो, पल्स आप FHR भी करते हो, फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ये भी देखते हो, ठीक है, फेटल प्रेजेंटेशन नहीं देखते हो। अब लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बिशॉप्स स्कोर, बिशॉप्स स्कोर के लिए कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो निम्नलिखित में से बिशॉप्स स्कोर का जो पार्ट नहीं है वो कौन सा है, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल डायलेटेशन, स्टेशन ऑफ हेड, पोजिशन ऑफ द हेड। राइट आंसर होगा आपका पोजिशन ऑफ द हेड, ये बिशॉप्स स्कोर के अंदर नहीं आता है, बाकी सारी चीज़ें आती है, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी होता है, डायलिटेशन भी होता है, आपका स्टेशन ऑफ द हेड भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बिशॉप्स स्कोर, फाइव फैक्टर इसके अंदर असेस किए जाते हैं, कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन करके। सर्वाइकल पोजिशन की जाती है, फेटल स्टेशन किया जाता है इसके अंदर, इफेसमेंट किया जाता है, डायलिटेशन किया जाता है, और कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स किया जाता है। ठीक है, ठीक बात है, पांचों बात ठीक है, आए समझ में, सर्वाइकल पोजिशन, फिटल स्टेशन, एफेसमेंट, डायलिटेशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, ये पांच इसके अंदर क्या किया जाता है, बिशॉप्स स्कोर के अंदर असेस किया जाना है, मतलब फैक्टर है। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप कितने दिनों से सोच रहे होंगे कि दूसरे जो चैनल्स हैं, दूसरे जो चैनल बहुत सारे हैं यूट्यूब पर बहुत सारे मार्केटिंग कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, नर्सिंग के सब कुछ चला रहे हैं, हम भी वैसे ही चला रहे हैं। ठीक है, कोई यहाँ पर अंतर नहीं है, वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो भी अपने एफर्ट फुल लगा रहे हैं, हम भी अपने एफर्ट फुल लगा रहे हैं। ठीक है, हमारे कोई कंपटीशन नहीं है, सबसे पहली बात तो ये कि उसके ज़्यादा या हमारे ज़्यादा है उससे कोई मतलब नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ो अच्छा पढ़ो। ठीक है, वो है हमारी, आपने एक नोटिस किया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया, कलरिंग नहीं दिया। ठीक है, सो टॉपिक्स है बहुत सारे, वो कलरिंग नहीं दिया, तो देखो हमारी कोचिंग कोई बड़ी कोचिंग नहीं है, ऐसी कोचिंग नहीं है जो हम ऑफलाइन बेच भी चलाते हैं, जो फिर आप किसी आदमी को रख लें वहाँ पे, वो टाइपिंग करके हमको दे दे फिर हम पढ़ाएं, हम खुद ही टाइपिंग करते हैं, खुद ही क्लास बनाते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं, मैनेज यूट्यूब चलाना सब खुद है, हमारी कोई टीम नहीं है। ठीक है, एक बंदा अकेला है वो पढ़ा रहा आपको, और वो कौन है जो आप सभी जानते हो। ठीक है, तो इसीलिए एक ही बात मैं कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर कीजिए, मेहनत क्या होती है वो इस चैनल पर मिलेगी आपको, हर एक चीज़ आपको लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, लिखी हुई हर एक चीज़ मिलना और सारी चीज़ें मिलना पॉसिबल नहीं है, हम कैसे कैसे करके लेके आते हैं। ठीक है, तो पांच फैक्टर है बिशॉप्स स्कोर के अंदर, और ईच फैक्टर होता है, सारे फैक्टर का मतलब अलग अलग नंबरिंग है, किसी का 0, 1, 2, 3 हो सकता है। ठीक है, ईच फैक्टर का, और टोटल फैक्टर जो होता है वो 13 होते हैं, और फेवरेबल स्कोर कितना होता है, 6 से 13 को अपन यहाँ पे फेवरेबल यानी अच्छा स्कोर मानते हैं। ठीक है, और अनफेवरेबल स्कोर 0 से 5 में क्या होता है, रिस्क होता है, किसी न किसी प्रकार का रिस्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब लिखा है द साइन ऑफ फेटल डिस्ट्रेस आर, फेटल डिस्ट्रेस का साइन कौन सा है, FHR रेगुलर, सॉरी इरेगुलर, मिकोनियम स्टैंड, लिक्योर, FHR इज लेस देन 120 और ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर यही है कि मतलब फेटल डिस्ट्रेस का साइन सारे हैं, FHR इरेगुलर होगी, मिकोनियम आएगा, और लेस देन यहाँ पे 120 हो जाएगी फिटस के हर्ट रेट। ठीक है, नेक्स्ट
ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर यूज्ड टू असेस प्रोग्रेस ऑफ लेबर एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे प्रोग्रेस ऑफ लेबर के साइन है, FHR, डिसेंट ऑफ फिटस, यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन और सर्वाइकल डायलेटेशन। सारे के सारे असेस किया जाता है प्रोग्रेस ऑफ लेबर को असेस करने के लिए, एक को छोड़ के। FHR करेंगे अपन, डिसेंट ऑफ फिटस, यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन और सर्वाइकल डायलेटेशन। आप बताओ ए नहीं होगा, मतलब FHR आप नहीं करोगे। सर्वाइकल जो आपका लेबर की जो प्रोग्रेस है उसको जानने के लिए आप FHR तो नहीं करोगे, FHR तो फिटस की कंडीशन को जानने के लिए करते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, द पोजिशन ए क्लाइंट शुड बी अवॉइड वेन शी एक्सपीरियंस बैक पेन ड्यूरिंग लेबर इज द नी चेस्ट, सिटिंग, साइड लाइन या सुपाइन। तो आप क्या कौन सी पोजिशन दोगे, आप सुपाइन पोजिशन दोगे। उसको बैक पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, बैक पेन हो रहा है ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। तो आप उसको क्या दोगे, सुपाइन पोजिशन दोगे, ठीक है। अब जो अपना टॉपिक है वो कल होगा प्यारे दोस्तों। अब अपना आज का सेशन खत्म हुआ, आज का सेशन अब खत्म हुआ। देखो कितना बड़ा था, मैंने बड़ा लिया, लेकिन क्वेश्चन थे आप सोचोगे नहीं, मान नहीं सकोगे। क्वेश्चन कितने थे, 70 क्वेश्चन थे, मतलब 70 क्वेश्चन थे। पहली बार इस चैनल पर मैंने एक साथ 70 क्वेश्चन लिए, और मेगा क्लास को छोड़ के नॉर्मल जो क्लास होती है उसमें, वो भी इतने कम टाइम में। तो आप सोच सकते हो मैंने अगर इतने कम टाइम में, अगर एक घंटे और छः मिनट में 70 क्वेश्चन सोल्व कर दिया, तो आप आधे घंटे में मैं 100 क्वेश्चन और सोल्व नहीं कर सकता। वो तो जबकि रेशनल बता रहा हूँ मैं साथ में, ठीक है। तो याद रखना, कर सकते हो आप, कुछ नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कल अपन पढ़ेंगे एबनॉर्मल लेबर, प्रिपीरियम, लोकिया, PPH। तो प्यार दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास थी, आज की जो हमारी जर्नी थी, वो यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर जरूर मार देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।